हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हो पेंट विद चंदन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार ऑयल पेंटिंग का जो ब्रश है वो हमें वॉश करना है, उसको क्लीन करना है। ऑयल पेंटिंग के जो ब्रश होते हैं उसको क्लीन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में ऑयल कलर ब्रश लिए थे तो मैं उसको ऐसे ही रख देता था, क्लीन नहीं करता था। लेकिन उसकी हालत बाद में ये देखो ऐसी हो गई, उसका जो आगे का टोक होता है वो पूरा टूट गया। ऑयल पे जो ब्रश होते हैं उसको क्लीन करना ज़रूरी है। अगर आपने उसको क्लीन नहीं किया तो आपका पूरा ब्रश ख़राब हो सकता है। और एज कंपेयर टू वाटर कलर ब्रश या एक्रेलिक कलर ब्रश से कंपेयर किया तो ऑयल कलर ब्रश ही महंगे आते हैं। अब मैं अपने ऑयल कलर ब्रश अच्छे से क्लीन करता हूँ, तो अब मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा कि ऑयल कलर ब्रश में कैसे क्लीन करता हूँ और उसको कैसे क्लीन करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ऑयल ब्रश हमें क्लीन करने हैं तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा टर्पेंटाइन ऑयल, जो कि कैमल का है। तो हम टर्पेंटाइन ऑयल से ऑयल ब्रश को क्लीन करने वाले हैं। और उसके साथ हमें एक कपड़ा लेना पड़ेगा जो ऑयल ब्रश में हमें ब्रश क्लीन के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो ये ब्रश आपको दिख रहे हैं जिसमें कलर लगा हुआ है, तो इसको हमें टर्पेंटाइन ऑयल में डुबाना है। नॉर्मल आप एक अलग से बॉटल में भी ये ऑयल ले सकते हो। तो मैं इसको नॉर्मली यहाँ पे डुबा रहा हूँ और इस प्रकार इसका कलर यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ मेरे पैलेट के ऊपर। ये जो है मेरा पैलेट है, तो मैं इस प्रकार एक कलर यहाँ पे निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हो। और इसको ब्रश से अच्छे से साफ कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ब्रश को साफ करना है एकदम स्मूथली, और फिर से आपको इसको डुबाना है अंदर, और फिर से आपको कलर उसका निकाल देना है। तो आप देख सकते हो कलर इसका निकल रहा है। जब आप उसको अच्छे से इस कपड़े से क्लीन करना है तो ज़्यादा भी प्रेशर उस ब्रश के ऊपर देना नहीं है, नहीं तो आगे का जो टोक है टूट जाएगा। ऐसे 2-3 बार हमें टर्पेंटाइल ऑयल में ब्रश को डुबाना है। और देख सकते हैं पूरा क्लीन हो चुका है, पूरा कलर इसका निकल चुका है। इस प्रकार हम ए ब्रश भी क्लीन करेंगे। इसमें व्हाइट कलर था, इसको भी हम साफ करेंगे। तो ये ब्रश का भी कलर निकल चुका है, आप देख सकते हो। सो ये दोनों ब्रश हमने ऑयल टर्पेंटाइन ऑयल से क्लीन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें ये जो पैलेट के ऊपर हमने कलर को लिया था उसको एक कपड़े से पोंछ देना है, तो पैलेट अपना पहले जैसा साफ हो जाएगा। सो सेकंड स्टेप में मैंने ये बॉटल में साबुन का पानी लिया है, जो नॉर्मल साबुन होता है कपड़ा धोने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो बॉटल में पानी लेना है और उसके अंदर वो नॉर्मल साबुन का छोटा टुकड़ा उसके अंदर डालना है, और उसको अच्छे से आपको हिलाना है ताकि उस साबुन का जो फेस होता है वो ऊपर आ सके। तो आप देख सकते हो ये साबुन का पानी है अंदर। तो इसके अंदर ये जो ब्रश है जो हमने टर्पेंटाइन ऑयल से धो क्लीन किए हैं, इसको इस पानी में डालना है साबुन के, और अच्छे से उसको क्लीन करना है पानी के अंदर। आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार इसको क्लीन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो ऑयल था वो निकल चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और ऑयल यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको हाथ लगा के उसको समझ में आ सकता है कि कितना ब्रश साफ हो चुका है। तो आपको फिर से कपड़े से उसको पोंछना है और फिर एक बार ये जो साबुन का पानी है इसके अंदर उसको क्लीन करना है। हमारे ब्रश पूरे क्लीन हो चुके हैं, आप देख सकते हो। इस प्रकार हमें अपने ऑयल ब्रश क्लीन करने हैं, ये सबसे ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका ब्रश जो आगे के जो बाल है उसको ये टूट जाएंगे। तो हर टाइम आपकी पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ये ब्रश क्लीन करने हैं।
आई होप फ्रेंड इस वीडियो से आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिला होगा कि ऑयल पेंटिंग के जो ब्रश होते हैं उसको किस प्रकार क्लीन करना है। अगर कुछ बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर हिट करना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।